तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एक क्वेरी जो सबसे ज्यादा अब पूछी जा रही है वो है, भैया एडमिट कार्ड्स कब आएंगे? तो खैर, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, कि मैं ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के इंटर के एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग देख सकते हो प्ले लिस्ट में। एंड जितनी भी रिविजन स्ट्रेटेजीज है, मैंने सारी की सारी शेयर कर दी है आपको, हर सब्जेक्ट वाइज। तो आप जाकर वो भी देख सकते हो, मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो के ऊपर आते हैं। तो एक जो क्वेरी यही है कि भैया हमारे एडमिट कार्ड कब आएंगे। हमने सुना है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं, बट अब एग्जाम में 15 दिन तो है ही नहीं, फिर एडमिट कार्ड रिलीज क्यों नहीं हुए अभी तक? तो देखो, एडमिट कार्ड अब तक रिलीज हो जाने चाहिए थे, बट अभी तक नहीं हुए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो अभी एक दो दिन में आ जाएंगे। इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चे, लास्ट टाइम जो ब्लंडर हुआ था वो नहीं चाहता हूँ कि मैं इस बार फिर से हो, क्योंकि बच्चों ने देखो दूसरे सिटी में एग्जाम सेंटर बुक कराते हैं, वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए घर से ले आते हैं, देन आके फॉर एग्जांपल बच्चे दिल्ली आते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो अपने फिर वो अकॉर्डिंगली अपने अकोमोडेशन अरेंज करते हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट को कम से कम 10 दिन पहले तो निकालना ही चाहिए। अगर आपके एग्जाम 27 से हैं तो ऑब्वियसली 17 तक तो निकल ही जाने चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार सब कुछ सही तरीके से जाएगा और इंस्टीट्यूट टाइम पे चीजें कर देगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी तो देखो फ्यूचर है, बाकी इंस्टीट्यूट के ऊपर है वो कितना डिले करता है चीजों को लेके। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार सब कुछ सही वे में जाना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कंडक्ट करा चुका है लास्ट टाइम एग्जाम, तो इस टाइम इंस्टीट्यूट को इशू नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, टेंशन मत लो अपना, अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो। और जिन बच्चों का है अभी देखो दूसरे स्टेट में आपको जाना है, तो उसकी टेंशन अभी मत लो। देखो आई नो थोड़ा सा है कंसर्न पॉइंट थोड़ा सा, बट आपको यही बोलूंगा कि जब निकलेगा, देखो जब भी हम कुछ कर सकते हैं, पहले टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। ये आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। आप लोग अपना ये टाइम जो है आप अपना फोकस के साथ अपना पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ये सारी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करोगे तो उससे लॉस आपका होगा, क्योंकि आप लोग अपना जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है रिविजन का, ये मिस कर जाओगे। जिस तरह से मैंने आपको रिविजन चीजें बताई हैं, आपको उसी तरह करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 100% कवरेज करके जाओगे आप एग्जाम के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी रीजन हो अब वो छोड़ो, अब रीजन नहीं देख रहे हैं, बट अपना फोकस के साथ करो चीजों को, जितना है उसको अच्छे से करो और कोशिश करो कि सब कुछ एटलीस्ट आप एक बार रीड करके चले जाओ, सो दैट कि आप एग्जाम में एटलीस्ट कुछ अटेम्प्ट तो कर पाओ। आपकी नजरों से कुछ बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, आपने सब कुछ एटलीस्ट देखा हो कि हाँ ये मैं देख के आया हूँ। ठीक है, और अपना एटलीस्ट 50-60% सिलेबस तो इतना अच्छे से कर लेना कि वो आपके मतलब ये हो कि टिप्स पे हो कि आप बहुत इजीली उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, यही कुछ टिप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं बार बार ये बोलूंगा, अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आर्ट्स दो इस टाइम पे, बिकॉज अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है। जिन लोगों का फाइनल है उन लोगों का देखो लास्ट है, अपना ये खत्म हो जाएगा, आप सीएमए बन जाओगे, और जिनका इंटर है आप अपना फाइनल में आ जाना, देन अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपको करनी है अपना जर्नी शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अपना फिलहाल फोकस करके अपना बस इस पे ध्यान दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 महीने से, और कुछ बच्चे उससे भी पहले से कर रहे हैं। तो इस टाइम फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, जो जो चीज रिलीज होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, अभी फिलहाल आप अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, तो फिलहाल चलो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपना फीडबैक, अपने सजेशंस। एंड अगर आप लोग मेरे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप एंड चैनल दोनों आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। शेयर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर।